भाई बहुत गाड़ी ड्राइव करके लगभग 300 किलोमीटर चला चुके हैं और ज़्यादा 350 किलोमीटर। तो अभी थोड़ा पेड़ों के बीच में आराम दे रहे ले रहे हैं क्योंकि धूप निकल आई है तेज़, तो आराम हमें भी चाहिए और हमारी रानी को भी चाहिए। भाई अब देहरादून में आ पाए हैं, देहरादून तो हमने एंटर कर लिया। आ गए हम, आ गए। पूछ ही काटे आए हैं। स्कूल से और कहा हाँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपके उत्तराखंड जाने के ब्लॉग में। और हम और दोनों साडू जा रहे हैं आज इस अपनी नई न्यू रानी से और यहाँ से उत्तराखंड लगभग 450 किलोमीटर है, वहाँ का सफर करेंगे इसी से। ठीक है, सारा ब्लॉग रास्ते में बताएंगे। अभी हम घर से बाहर आ गए हैं, थोड़ा निकला है, ये सामने स्कूल बोर्ड लगा, तो बस ये टुल्ला का हाईवे, तो हाईवे निकलेंगे भाई, मिलते जाएंगे, ब्लॉग बनाते जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। ठीक है, ये खंदौली टोल प्लाजा पे आ चुके हैं, ये देखिए पीछे है टोल प्लाजा और यहाँ पे राजला शुक्ला जी को आ गई सुसु, तो ये कर रहे हैं सुसु। और देखो हमारी रानी, ये न्यू रानी के नाम से टोल कट गया भाई। और टोल का भी बता रहे हैं, यहाँ से नोएडा तक 245 रुपये का टोल कटा है भाई, समझ लो साथी की लगभग 80 रुपये पर टोल, यानी 3 टोल है। बोर्ड पे तो लिखा था कम, क्योंकि ये पुराना है, अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो वही चलते हैं आगे, दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ पहुँचना है। और देहरादून को अगर आपको स्कूटी या बाइक से जाना है तो हमें फॉलो करते रहना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। समय वही लगभग बज चुके हैं 6 और हम पहला टोल क्रॉस कर चुके हैं। ये देखिए भाई, मथुरा यहाँ के पास ही है, मथुरा के लिए ये कट है, आगरा अलीगढ़ दिल्ली ये सारा बोर्ड निकाल हुआ पड़ा है। और अभी हम गाड़ी में देखते हैं 67 किलोमीटर चले हैं घर से, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है भाई, और बहुत तेज हवा चल रही है तो गाड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आगे तो ज़्यादा तेज नहीं चल पा रही, 70-80 यही चल पा रही है। भाई मथुरा टोल पे पहुंचने वाले हैं, अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम। तमिलनाडु से लोग घूम रहे हैं, ऑल इंडिया टूर पे लग रहे हैं, मुझे तो हेलमेट लगाए हुए दोनों। देखिए ये मथुरा टोल प्लाजा पे आ चुके हैं हम, और हमने टोल तो ऑलरेडी कटवा चुके हैं, बस हमें ये देखिए ये जगत गुरु कृपालु महाराज के बोर्ड लगे हुए यहाँ पे, ये देखिए देखिए भाई ये रसीद है, हम नोएडा तक पहुंच जाएंगे इसी रसीद के सारे। ये देखिए हमारी तो एकदम से नई है, इस पर कोई नंबर वंबर भी नहीं पड़ा, बिल्कुल नई है। चलिए भाई आइए, वेलकम हो गई भाई। ये देखिए ये तमिलनाडु से लोग आए हुए हैं, अभी हमारा एक जगह और ये काम करेगी ऋषि, तो हम चलते हैं भैया। जिनने कोई पास बनवा लो जाने का, डिफेंस की गाड़ी है, फौजी है भाई जी। भाई सूरज महाराज का दर्शन हो चुके हैं, देखिए वो सामने सूरज जी दिखाई दे रहे हैं, अब पहली बार सुबह से अभी हमें सूरज के दर्शन हुए। ये देखिए 6:56 हो रहे हैं, अभी 6:56 हो पाए हैं, और हमने लगभग 85 किलोमीटर पास कर दिया। तो भाई यहाँ पे थोड़ा इन्हें सुसु करना है, तो हम अपना ब्लॉग भी बना लेंगे,
खाने पीने की तो अच्छा है नहीं, क्योंकि मना कर रहे हैं भाई। ये उधर पुरुषों की जन और इधर है महिलाओं की, तो किस में जाना चाहते हैं भाई आप? पुरुषों की जन सुविधा में जाएंगे या महिलाओं की में? और यहाँ बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं लंबे सफर वाली। यहाँ पे भाई कुछ खाने पीने के लिए मिल तो जाएगा, चाय चुल्लड़। लेकिन अब हम जाएंगे, आज हमने थोड़ा मूड चेंज कर दिया, हम जाएंगे संगीता के घर, तो वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे अब। और वैसे तो वहाँ सीधा निकलने का मूड था, लेकिन आज उसे सरप्राइज देने वाले हैं हम, तो यहाँ चाय चुल्लड़ मिल ही रहे। और राजलाल शुक्ला जी से पूछते हैं अगर उन्हें चाय चुल्लड़ पीना है तो पी सकते, पहले सुसु करके निकल आने दो उन्हें। भाई लास्ट टोल पे आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे के पे, ये है जेवर टोल प्लाजा, ये देखिए सामने दिख रहा है। चलो एगो काम खुल गया हमारा पर्दा, थैंक यू। देखियो अब अच्छी तरह से धूप निकली है, अगर बादल जी नहीं आए तो ये है कि धूप भाई ठंड में सुखड़ गए भाई, सुबह के चल रहे हैं और जैकेट जेब बैग में रखी है और लाए किसी काम की नहीं निकली है। अभी आगे जलपान ग्रह मिलेगा बस, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम फ्री का जलपान करेंगे संगीता के घर जाके। नोएडा पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा ही पास रह गया परी चौक, और यहाँ से हमने ड्राइवर चेंज किया जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब आएगा लाइसेंस वाला ड्राइवर। अभी तो क्या लाइसेंस वाला ड्राइवर चल रहा था भाई, और ये है बिल्कुल एक्सप्रेस वे का आखिरी छोर चल रहा है, तो बस पहुंचते जाएंगे। अभी परी चौक पर पहुंचेंगे तब आपको परियों को दिखाते हैं, गोरी गोरी परियों को, परियां हैं वहाँ पर, तभी तो परी चौक है। और फिर चलते हैं नीरो के यहाँ, तो सॉरी संगीता के यहाँ, एक ही बात है, वहाँ पर जाके हम सरप्राइज देने वाले हैं उसे, लेकिन सरप्राइज हमारा ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी कॉल कर देते हैं उसे। ठीक है भाई, अभी यहाँ हमें लगाना पड़ेगा मैप, जब कितने भी बार आ जाओ भूल ही जाते हैं हर बार, तो ठीक है। ये अभी हम खड़े हैं, एक स्टॉप है लेकिन नाम नहीं लगा इस पर, अब हम सिर्फ वहीं पर जाके मिलेंगे, अभी तो मैप का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, एक छत पर आदमी खड़ा देख रहा है हमें। भाई अमात्रा हम पे तो आ चुके हैं, वो देखिए पीछे वो जो फ्लैट दिख रहे हैं अमात्रा हम के, लेकिन शिवराज को फोन कर ले रहे हैं तो हमारा पास पास बना के दे देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। चलो भाई एंट्री हो चुकी है अमात्रा हम में। शुक्ला पहली बार आए हैं क्या आप? हाँ जी पहली बार आए। तो बताए अच्छा? ये तो पहली बार आए, आ गए हम, आ गए। पूछिए कहाँ आए हैं? हम आए हैं वही स्कूटी से। स्कूटी से? और कहा? हाँ नहीं तो ओ हो, हमारी दोनों बेटियां यस कारू यहाँ पर सो रही हैं। अरे पहुंचा नहीं हूँ, यस्का आरू मामू आ गए। ओ हो, ये तो आज छुट्टी का पूरा आनंद ले रही है लड़कियां। देखिए बंद बैठ गए। फट जाएगा दूसरे दिन आप देखिए जब बैठे बैठिए था। आ तो गए भाई ठिकाने। ये देखिए भाई सारे मेडल्स लड़कियों के, सेठ जयपुरिया के टॉपर, ये आस्था के, ये आस्था यानी आरू के, एक दो तीन, और ये दो यशकार के भाई। ठीक है,
अब ब्लॉक में आ गए। ये भी है? हाँ ये भी है, यारू का ये भी, ये तो उसने टॉप में जीता है, ये वाला ऑल इंडिया में रैंक आई इसमें। भाई खाना पीना खा के बिल्कुल फिनिश कर दिया, अभी राधा शुक्ला जी खा रहे हैं आखिरी बाइट, और इधर देखते हैं दोनों बेटियां क्या करने में लगी हुई हैं। ये देखिए दोनों अपना गेम खेलने में लगी हुई हैं दोनों बेटियां। ये देखिए हैं, ये क्या है रे? ये थैली में क्या है इसमें? कलर है, कलर अच्छा ये है, सूखता है। और बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ एक दो बार ब्लॉग में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये है गगन चुम्बी फ्लैट, एक तो एक ऊँची बिल्डिंग, और ये सामने है पार्क, और उधर है स्विमिंग पूल। देखिए उधर दिख रहा होगा आपको, बड़ी पीसफुल जगह है, शांत प्रिय जगह है। और ये देखिए अभी नवरात्रों पे यहाँ पर कोई प्रोग्राम हुआ था, उसका ये टेंट लगा हुआ है, लेकिन अब तो जड़ गया है। और आज दसवीं के बाद एकादशी का दिन हो चुका है, तो ये हो गया। बाकी हमारा सफ़र बस यहीं पे, बस अगले दस मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं, और फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मोदी नगर से मेरठ होते हुए सीधा देहरादून निकलेंगे। हरिद्वार जा सकते हैं, नहीं तो दूसरा रूट ले लेंगे देवबंद वाला, तो वहाँ से ठीक है पहुँचते हैं, और सारा रास्ते का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और बने रहिए, बिल्कुल हम इसे छोड़ के मत जाइए, वीडियो पूरा है देखिए, बहुत एंजॉय होने वाला है, मज़ा आने वाला है। भाई आज तो हो गया हमारा पोपट, हम अभी हापड़ वाले रास्ते को मुड़ गए हैं, हम मेरठ वाले एक्सप्रेस वे पर हमें जाने नहीं दिया, यहाँ पेट्रोल पंप पर रुके हुए हैं और यहाँ लग गया है जाम। अपर गंगा कनाल रोड, तो चलते हैं भाई आगे, कहीं रफ रफ आ जाएगा तो मिलवाते हैं आपको। उत्तराखंड के जाने की बहुत गाड़ी ड्राइव करके लगभग 300 किलोमीटर चला चुके हैं, और ज़्यादा 350 ही ठीक है। तो अभी थोड़ा पेड़ों के बीच में आराम दे रहे ले रहे हैं, क्योंकि धूप निकल आई है तेज, तो आराम हमें भी चाहिए और हमारी रानी को भी चाहिए। चलते चलते लंबे सफ़र में हालत हो गई थी ख़राब, इसलिए हमने फ्रेश हो लिए, और उधर लैट्रिन बाथरूम बहुत बढ़िया, रिलायंस जियो का पेट्रोल पम्प है, और यहाँ शुक्ला जी भी खड़े हो गए, आराम दे दिया अपनी रानी को भी, तो ये एकदम से इसको भी आराम मिल गया। अब यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया भाई, और यहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू होने वाला है, अभी तो नहीं थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा भाई। फिर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और अंत तक देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आ चुके हैं अभी देवबंद क्रॉस कर दिया है, यहाँ से भी 80 किलोमीटर है, और शाम के बज चुके हैं लगभग, कितने बजे? 6 बजने वाले हैं, 6 नहीं अभी 5 बज के 10 मिनट, 5 बज के 10 मिनट हुए हैं, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे अभी हम, 2 घंटे का सफ़र है। और देखो ये रास्ते में कहीं रोड बन रहा है, वहीं पर रुक गए हैं थोड़ा, अपनी रानी को आराम दे दिया, क्योंकि इसको आराम देना ज़रूरी है, हमारे आराम की टेंशन नहीं है। देखिए सामने रोड चल रहा है ठीक है, और चल रहे हैं, और अंधेरा हो जाएगा तब तक पहुंच जाएं देहरादून, फिर देहरादून का आपको वीडियो दिखाते हैं ठीक है, मिलते हैं बाय। भाई सूरज ढलान पे है और आखिरी चरण में निकल रहे हैं, हम पहुंचेंगे देहरादून तभी ब्लॉग बना पाएंगे, क्योंकि रास्ते में पहाड़ी इलाका है, चलाना संभल संभल के है भाई। भाई अब देहरादून में आ पाए हैं, देहरादून तो हमने एंटर कर लिया, लेकिन अब वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है,
मैंने प्लेटफॉर्म कर लिया राधेलाल शुक्ला जी यहाँ पे, तो अभी हम आगे पहुँचने वाले सिद्धोवाला, तो वहाँ का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है, और राधेलाल शुक्ला जी वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ जी, हाँ 3-4 किलोमीटर मैडम का फोन आ चुका है, तो ये बिजी है, ठीक है ठीक है, चलो बात करेंगे पहुंच गए। इंडियन मिलिट्री अकेडमी आपने निकाल के रखे थे, आपने उसमें पॉलिथिन में डाले, रूही चौराहे तक जाना पड़ा, देखो एक बार दोबारा से आ चुके हैं 15-20 दिन बाद फिर से रानू भाई के घर पे। ये देखिए आज तो नजारा एकदम से साफ है, उस दिन आप लोगों ने देखा था कितना झाड़ झंकड़ था यहाँ पे और गंदगी वंदगी थी, सारी कुछ साफ करके एकदम से टनाटन हो गया, और इधर भी बहुत सारी गंदगी पड़ी थी, कांटे पड़े थे, सारा कुछ साफ हो गया और एकदम से चमाचम हो गया भाई पूरा कॉलोनी। और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा, ये देखिए अभी यहाँ पर झूला लगा लेंगे, फिर यहाँ पर बैठेंगे झूले पर, और ये देखिए पंखे वंखे चला रखे, ये भाई नाइट पार्टी करते हुए, देखिए सारी टीम नाइट पार्टी कर रही है, ये देखिए सारा ब्लॉग में डाल दूंगा ये मैं।